लोग उलार एक मंदिर है, तो पूरा का पूरा छठ का वाइब दे रहे हैं। नानी इधर गाते छठ कर ले आती थी। अब हम अपने भाई के साथ चले। क्या दे दिए? और ये क्या? नाना जी का बनाया हुआ पान। अब रास्ते में प्यारी सी अमरूद। Now I'm going to show you, ये है मेरी दीदी। अभी हम लोग घर से निकले हैं आउटिंग करने के लिए। ये है मंदिर, मम्मी लोगों का पुराना मंदिर। 50 आकर मम्मी की एक एक यादें ताज़ा हो रही है। मम्मी बहुत एक्साइटेड है अपने गांव के बारे में बताने को। एक एक चीज़ें हमें बहुत डिटेल में बता रही हैं। तो यस, जैसे मुझे अपने घर में अपनी गलियों से प्यार है, वैसे ही ऑब्वियसली ये मम्मी का घर है, तो मज़ा आ रहा है उनको। एंड ये सब देखकर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मौसी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है अपने घर में? एकदम मज़ा आ रहा है। ये घर से थोड़ा दूर आने पे ये स्कूल था मम्मी का। सो स्वीट। हमारी टोटो आ गई है। मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग उलार एक मंदिर है जहाँ पे छठ पूजा में काफ़ी भीड़ होती है, और रेगुलर संडे को यहाँ पे एक मार्केट लगता है, जैसे एक मेला। तो चलते हैं, देखते हैं। मैं भी देख हाय कीजिए सबको। हाय हाय, वी आर इन उलार, मजा आ रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ सब पूरा भीड़। एतवार के दिन पूरा भीड़। ये पूरा का पूरा छठ का वाइब दे रहा है। नानी इधर गाते छठ कर ले आती थी। मजा आ रहा है। हाँ, रात का भी मजा आया। हम लोग का यहीं पर आश्रम था ठहरने का छठ पूजा में। सो स्वीट। देखो सब ठहरने का जगह है। माँ भाई नानी माँ जाती थी, हम लोग खाना पीना लेके आते थे। हाँ, चले नाना खिला देते थे तो दूसरे कोई के। ठहरने का देखो परिक्रमा है, मार्ग है, सब ठहरने का जगह है सब। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी और मौसी की तो यादें ताज़ा हो गई है पुरानी। आप लोग एंजॉय कीजिए, तब तक हम देख लेते हैं। चप्पल हाँ जी अच्छा भगवान जी, इनका क्या है? उलार है, यही बनवाए थे उलार। अच्छा जी, तो हम लोग इधर आ जाओ। तो हम लोग उलार आ चुके हैं, जिसके बारे में बहुत सुना था मम्मी से, स्पेशली नानी माँ यहाँ पे चेक करती थी एंड ऑल दैट। फाइनली यहाँ आ जाने का मौका मिला। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए हैं, बट आई एम हैप्पी कि लोग आए हैं दर्शन किए। मम्मी की यादें ताज़ा हो गई एंड हैप्पी टू सी इट। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि झारखंड से अगर ज़्यादा मान्यताएँ हों, बहुत वाइड रेंज में अगर बहुत वाइड रेंज में छठ पूजा होती है, तो वो बिहार में होती है। एंड यस, यहाँ देखकर लग रहा है कि एक मंदिर जो कि स्पेशली यहाँ पे छठ पूजा के लिए बनाया गया है, बहुत ही वाइड रेंज में है। ये मज़ा आ रहा है देखकर। आई होप कि देख सकते कभी टाइम मिले छठ पूजा में आने को। तो यस, चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। मजा आ रहा है भाई, मुझे बिठा के। बाय बाय। क्या दे रही है? मामी मौसी मामी के लिए ये और कुछ नहीं है मामी। इसके अलावा कुछ और बताया? आपको अच्छा लग रहा है? तुम अपना अच्छा लग रहा है ना?
कर दे अपना। और रानू क्या लेगा? रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष भैया बढ़िया होता। सर नाना जी की दुकान आप कब खोले थे? बहुत जमाने। बहुत। आप मुंह में क्या खा रहे हैं? पान। पान हमको नहीं खिलाइएगा? पान खा लो। एक तो उनका पान तीखा लगता है। हाँ मीठा पान। हाँ जर्दा वर्दा नहीं, ऐसा नहीं खा के हम वो सो जाए, वैसा नहीं। मीठा तो ठीक है। एक टाइम पे इस दुकान का अलग खाना, मतलब मम्मी जितना बताती हैं कि हाँ। एक टाइम मम्मी के टाइम पे ये दुकान, मतलब पूरे एरिया में एक ही दुकान, एरिया में नहीं पालीगंज, पूरा पालीगंज में एक दुकान था नाना जी का, और सारे लोग दूर दूर से आते थे इनके पास। कथा कथा क्या है? तुम कैप्चर कर रही थी इसे बंद कर दी। ओपन कर सकते ओ भाई, गड्डी के गड्डी पैसा रखा था। ये पैसा रखा हुआ है, गोली है। हरजन जी नाना जी का गुस्सा हुआ तो बहुत मार, देखो हमको पान मिल रहा है, हम खा रहे हैं इसको। यहाँ फोड़ भी गया। थैंक यू। हाँ देखो नाना जी का बना हुआ दो गोली है, खाइए। ऐसा नहीं कि वो, अरे नहीं जर्दा ने डाला ले, खाइए ना। नाना जी का प्यार है उसमें। कसाई दिया दो को दे दीजिए। गाड़ी चलाने दे दे, ड्राइव करने दे दे नरीश। सुपारी का खाइए। खाओ ना। अरे नहीं सब पर रिएक्शन देखो। नाना जी का बनाया हुआ पान। नाना जी आपका पान कहाँ है? पान मुँह में। मेरा भी पान है मुँह में। नाना जी बहुत टेस्टी है। हम रहेंगे। अच्छा हमको नहीं बोल रहे हैं, सब रहोगे हम रहे हैं। ऑर्डर दे रहे हैं, खुद मिला है, तुम लोगों को क्या देगी। ये था मेरा लास्ट मोमेंट, ये है मेरे बड़े मामा जी। आई थिंक मैंने अपने सब फैमिली से मिला दिया। कैसन बा एकदम एक नंबर बा और बहुत ब्यूटीफुल। ये मेरी बुआ है उस रिश्ते से, पापा के रिश्ते से, और मम्मी के रिश्ते से मेरी बड़ी मामी बड़े मामा, ये हम लोग का फैमिली। और छोटी मामी इधर आइए। और ये है मेरी छोटी मामी। हम लोग मार्केट आए हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ का फेमस जो बिहार में मिक्सचर मिलता है, जो मिक्सचर है वो लिया है। नाना जी के लिए मिठाई वाइट वाली चलो लो। यहाँ का ये वाइट मिठाई बड़ा ही टेस्टी है, बहुत अच्छा। अब यहाँ से फाइनल गुड बाय पटना को। अब रास्ते में कुछ दूर आकर हम लोग अच्छी सी टेस्टी सी अमरूद खा रहे हैं। असली वेलकम ये किया है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू, ये है मेरी दीदी जिनसे शायद आप मेरे कुछ कुछ वीडियोस में मिल चुके हैं। ये मेरी बुआ की बेटी है, कजन सिस्टर। तो अभी हम इनके घर आए हुए हैं, बहुत पूरा भर भर के हम लोग खाना खा चुके हैं। इनके हाथ का स्पेशली बनाया हुआ गाजर का हलवा, इट वॉज यम्मी, वो खाए। और सब कुछ खाने के बाद अब बना रही है दीदी, क्या बना रही है? चाय और टी। तो अब ये पियेंगे और धीरे धीरे करके मैं सारे फैमिली से आपको मिलवाती हूँ। अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय। स्वीट एंड स्वीट सिस्टर हैं। और अब मेरे को सदी बोली डीसी तो बहुत अच्छी हो, पहले से ठीक हो गई हूँ, मोटी हो गया, मतलब सब हेल्दी हो गई है, हम ज्यादा हो गए। एक एक करके मैं सबसे मिलवाती हूँ यहाँ पे जो लोग हैं। जब ये लोग बड़ी थी तो लोग बहुत ही छोटे थे, जब इनकी शादी हो गई थी तो फाइनली आज जीजू के घर आने का मौका मिला है। लिटरली अपना काम छोड़कर हमारे लिए इतना टाइम निकाले, हमें लेने के लिए आए, फिर वापस यहाँ तक पहुँच आए। सो दैट्स कूल, अपना टाइम उनको दे रहे हैं, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। लाइक दो शब्द जीजू, दो शब्द उसके बारे में, मेरे बारे में। आप लोग आए हमारे घर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग से मुलाकात हुए भी, बहुत दिन हो गई थी, इसी बहाने कम से कम
रास्ते का सफर में मुलाकात हो गया। मेरे बारे में कुछ बोले जी आप तो खैर अब मेरे बारे में तुम लोग बोल होल्ड करो पुरानी बातों को छोड़ करके अब नई बातों पे हम लोग ध्यान देंगे कि जो जनरेशन छोड़ के आए थे वो अब काफी बदलाव हो गया है। अब आप लोग भी बड़े हो गए हैं, आगे की भविष्य के लिए आप लोग की शुभकामना हमारा रहेगा। थैंक यू सो मच। आगे भविष्य में आगे बढ़े यही हमारी शुभकामना। थैंक यू। थैंक यू। इनके सुपुत्र जो मेरा चाय लेके बैठे हुए मौसी लगती है तो अब क्या बोलते हैं हमारी दीदी के एज की है ये, पर इनको देखे हुए हमारे बहुत वक्त बीत चुके हैं। इन्होंने बताया है कि ये मुझे बचपन में खिलाया करती थी तो उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। जो तुम्हें याद नहीं मुझे एब्सोल्युटली याद नहीं है पर फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू। किसी को नहीं होता। अरे प्रणाम चली दी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। खुश रहो। खुश रहो। ये है दीदी की बेटी आकृति। अच्छा अच्छा वो कौन और वो कौन मौसी है वो बता दो। और हमारी इनसे बड़ी वाली दीदी। हाँ दी बोलिए। अच्छा ठीक है हम उसको व्हाट्सएप कर देंगे दीदी। बैठे बैठे टाइम कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। फाइनली वी आर लीविंग दिस प्लेस। थैंक यू आपने हम लोग को इतना टाइम दे दिया। अच्छे से वेलकम किया वो बहुत अच्छा लगा। आप बताइए कब हम लोग को नेक्स्ट टाइम आया आपके हाथ का बिरयानी खाने को। जब भी टाइम मिलता है क्योंकि अगले बार आपको ऐसा मैंने सुन रखा है कि जीजू के हाथ का बिरयानी बड़ा फेमस है बस ये खाने का मौका मिल जाए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। ये अपना वाला हमको देगी।